हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मारुति स्तोत्र चैनल। आज हम बात करेंगे कि अगर आप गर्भवती महिला हैं और स्पेशली आपका पहला बच्चा है और आप गर्भावस्था के 8वें और 9वें महीने से गुजर रही हैं, तो आपको पहले से हॉस्पिटल बैग पैक करके रख लेना चाहिए। पहले से हॉस्पिटल बैग पैक करके रखने से आपको यह फ़ायदा होगा कि कभी भी इमरजेंसी में अगर आपको प्रसव पीड़ा का सामना करना पड़ता है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आज आप जानेंगे कि माँ को हॉस्पिटल बैग में क्या रखना है और बेबी के लिए हॉस्पिटल बैग में क्या रखना है। तो सबसे पहले माँ के लिए बात करते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, गर्भावस्था के दौरान सारी खून की जांचें, अल्ट्रासाउंड की जांचें अपने बैग में रखें। अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो आप उस पॉलिसी कार्ड को अपने पास जरूर रखें। अगर आपको गर्भावस्था के दौरान कोई दवाई चल रही है, जैसे कि अगर आप हाइपोथायराइड हैं और लिवर थायरोक्सिन लेते हैं, तो वो दवाइयाँ भी साथ में रख लें। अगर आप हाइपरटेंसिव हैं, आपकी बीपी बढ़ी रहती है, तो उसकी दवाई भी आप अपने पर्स में ज़रूर रखें। इसके अलावा आपको ब्रेस्ट फीडिंग गाउन ज़रूर रखना चाहिए। ये मार्केट में इसलिए अवेलेबल है और 3 या 4 आपको ब्रेस्ट फीडिंग गाउन हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। उसके बाद आपको डायपर रखना चाहिए, फिर आपको एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इनर वियर्स रखने चाहिए और साथ में जो आपकी ज़रूरत के सामान होते हैं, जैसे टूथपेस्ट, ब्रश, मोबाइल, चार्जर, ये सभी अपने साथ में अवश्य ले जाएं, ताकि आपको वहाँ पर कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। अब बेबी की बात कर लेते हैं। तो बेबी के लिए आपको बेबी डायपर्स रखना चाहिए। हर एक घंटे में एक डायपर आपको शायद इनिशियली यूज़ करना पड़ सकता है। बेबी वाइप्स आते हैं, वो रखना पड़ेगा। हैंड सैनिटाइजर रखना चाहिए। बेबी टॉवल कम से कम 4 संख्या में रखना चाहिए। अगर विंटर का समय है तो ब्लैंकेट बेबी के लिए रखना चाहिए। और इनिशियली जो ब्रेस्ट गर्भवती महिला को, जो पहली बार माँ बनी है, उनको दूध कम बनता है, तो उनके लिए जो होता है बच्चे के लिए बॉटल्स रखना पड़ेगा। आपको एक पलेड़ी आता है, वो रख सकते हैं 4 फार्मूला मिल्क, तो इससे बेबी को आपको दूध पिलाने में आसानी हो जाएगी। बेबी के लिए आप एक्स्ट्रा क्लोथ्स रख सकती हैं और डायपर या क्रीम भी आपको रखना चाहिए और कुछ प्लास्टिक बैग्स भी रख लेना चाहिए आपको पैक करके, ताकि जो सॉयल डायपर्स हों या जो गंदे क्लोथ्स होते हैं आप उनको बैग में पैक करके वापस घर ले जा सकें। तो ये थी कुछ जानकारियाँ माँ के लिए और बेबी के लिए कि आपको पहले से हॉस्पिटल जाने के पहले आपको क्या प्रिपेयर करना है। अगर आपकी डिलीवरी हॉस्पिटल में होती है तो बेबी के लिए और माँ के लिए कुछ क्लोथ्स हॉस्पिटल वाले इनिशियली प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आपको अपने घर से ले जाने में ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी भी हुई है तो आपको 3 डेज का स्टे हॉस्पिटल में करना होता है। 48 आवर्स के बाद ही आपको डिस्चार्ज किया जाता है, इसलिए आपने हॉस्पिटल बैग ज़रूर से ज़रूर प्रिपेयर करना है। अगर ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर जेन्युइन प्रेगनेंसी अपडेट्स। स्टे हेल्दी।